हे गाइस, वॉच फ्रीक वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताऊंगा स्विस मेड के बारे में। आप देखते रहते होंगे वॉच के जो 6 o'clock होता है उसके नीचे लिखा होता है स्विस मेड, स्विस वुमेन या जापानीज वुमेन, मेड इन जर्मनी। वॉच के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन स्विस सबसे एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन सब में वैल्यूबल जो होता है वो है स्विस मेड। तो मैं आज आपको बताऊंगा स्विस मेड क्या होता है। स्विस मेड एक्चुअली इज द फेडरेशन ऑफ स्विस वॉच इंडस्ट्री का ट्रेडमार्क है। उन्हीं को दिया जाता है जो उनके कुछ क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सब जानते होंगे स्विट्जरलैंड इज द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइनेस्ट वॉच पे कम मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द लग्जरी ब्रांड जितने भी है, सभी ब्रांड जो है स्विट्जरलैंड बेस्ड ही है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल करना पड़ता है कंपनीज को अपना रोलेक्स स्विस मेड का टैग लेने के लिए। पहले क्राइटेरिया की जो मूवमेंट शुड बी मेड इन स्विट्जरलैंड। वॉच का जो मोमेंट है, मैकेनिकल कोई भी मोमेंट हो उसका, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल क्वार्ट्स, वो स्विट्जरलैंड में बनाना। डायल है, बेजल है, स्ट्रिप है, वो सब भी स्विट्जरलैंड में बनाना चाहिए। और थर्ड होता है कि इसका जो फाइनल इंस्पेक्शन है वो स्विस मैन्युफैक्चरर का, वो स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। और फोर्थ है कि 60% ऑफ इस वैल्यू जो वॉच की 60% वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो स्विट्जरलैंड में होनी चाहिए। आप चाहे तो स्टेप बाहर का लगा सकते हैं, तो लेकिन 60% वैल्यू है वो आपको स्विट्जरलैंड की लगाना है। उसके बाद आपको स्विस मेड मिलता है। कुछ कंपनियां हैं जो स्विस मूवमेंट ले लेती है कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बताने के लिए वी आर मेकिंग स्विस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ मूवमेंट स्विस बनता है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। स्विस मूवमेंट के लिए आपको 51% जो वैल्यू है वो स्विस का होना चाहिए। अगर आप अपना मूवमेंट आप स्विट्जरलैंड बनाइए, उसको आप इंस्पेक्ट कराइए स्विट्जरलैंड में ही, उसके बाद में आप उसे बाहर ले जा सकते हैं। डायल है, बेजल है, सब चीज़ें जो बेजल, डैट, ग्लास, सब कुछ जो आप चाइना लगा सकते हैं या कोई भी कंट्री लगा सकते हैं। मोस्टली चाइना सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग देता है वर्ल्ड में, इसलिए कंपनीज मूवमेंट वहाँ बना लेती है स्विट्जरलैंड में, और बाकी सब चीज़ चाइना में करती है, वहाँ से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे स्विस मेड रेप्लिका वॉच में लिखा आता है, बट वो बिल्कुल नहीं होती है, इट इज इलीगल। अगर आप वैसे वॉच पहन स्विट्जरलैंड जाते हो तो आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है। बिकॉज स्विस ट्रेडमार्क, ये एक पेटेंट है, कोई भी इसे विदाउट ऑथराइजेशन यूज नहीं कर सकता। स्विस मेड जो है वो ओरिजिनल वॉच पे रहती है, जो रिप्लिका आती है उस पर कोई मतलब नहीं है कि वो स्विस मेड नहीं, वो चाइना में बनी है पूरी 100%। 1982 में ही ये फेडरेशन ऑफ स्विस वॉच इंडस्ट्री बना है। एक्चुअली ये बना 1876 में था, लेकिन उसके बाद उसके नाम में चेंज होते और धीरे धीरे 1982 में फाइनली ये फेडरेशन ऑफ स्विस वॉच इंडस्ट्री हुआ। और उसके बाद भी वॉचेस जो है जो स्विस मेड का लोगो चाहते हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड हैज अ ह्यूज रिच हिस्ट्री ऑफ वॉच मेकिंग। आई थिंक द फर्स्ट वॉच से लेके तो अभी तक जितनी वॉच आती है, एक्सपेंसिव ब्रांड भी है, वो स्विट्जरलैंड की है। तो ऐसा माना जाता है स्विट्जरलैंड की वॉचेज बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और क्वालिटी होती है। जापानीज वॉच भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, बट और जो हिस्ट्री ऑफ वॉच मेकिंग है वो सब स्विट्जरलैंड से जुड़ी हुई है, इसलिए स्विस मेड इट वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायर्स के लिए भी, वॉच एंथुसियास्ट के लिए भी, कि कोई भी ब्रांड रहे, लग्जरियस ब्रांड, वो अपने इसमें स्विस मेड चाहता ही है बिकॉज ऑफ पीपल चॉइस एंड कस्टमर डिमांड। स्विट्जरलैंड में लेबर बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे, और यहाँ की क्राफ्ट में सब काफ़ी अच्छी है, तो स्विट्जरलैंड में बनाना बहुत महंगा पड़ जाता है, और इसलिए लग्जरी ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होती है, भी एक रीज़न है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्विस मेड। आई होप आपको जो कन्फ्यूजन थोड़ा इससे दूर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।